सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। हम बात करेंगे भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा के महासचिव हैं ओमपाल चवर जी, और जो पूरी तैयारी की देख रेख है वो सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी अलग व्यवस्था है महासचिव के तौर पर। इनसे जानेंगे कि पोस्टर रिलीज के बाद बहुत उत्सुक, बहुत खुश, उत्साहित, प्रोत्साहित दिख रहे हैं, क्या पूरा कारण है, क्योंकि लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो चुकी है आपकी। सबसे पहले आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप गरीबों की, मजदूरों की, मजबूरों की, दलितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज जो ये विशेष मीटिंग हमने यहाँ बुलाई है पर्ल होटल में, तो इसमें हमने सिर्फ केवल और केवल चंडीगढ़ के वाल्मीकि समाज के जो मंदिर कमेटियाँ हैं वो बुलाई है, और विशेष तौर से जो मलोया से मंदिर कमेटी है और वहाँ के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं काली आदिवाल जी, और इनके माध्यम से जिस प्रकार से वहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है, काफ़ी वहाँ से उत्साह है, और इनकी जो टीम है काली आदिवाल जी की बहुत ही उत्साहित वहाँ से कार्यक्रम करने जा रही है। सारा का सारा मास्क का मेंटेन सारा जो है काली जी वाइस चेयरमैन हमारे कर रहे हैं। मैंने देखा कि चेयरमैन भी काफ़ी उत्साहित हैं, जो आपके जोसफ जी हैं बहुत, और सिर्फ वही उत्साहित नहीं, उनके कामों से भी काफ़ी लोग उत्साहित हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान के विधाता हैं और बहुत अच्छा जो है समाज में एक मैसेज देते हैं भगवान के प्रति। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि महाराज जी का पावन ग्रंथ की स्थापना सभी चंडीगढ़ के मंदिरों में की है। इससे पता लगता है कि वो कितने जो है आध्यात्मिक ज्ञानी हैं जी। कई बार आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिर में ग्रंथ रखवाएंगे, मूर्तियां लगवाएंगे भगवान वाल्मीकि जी के, आप क्या है, हिंदू हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम हैं, हिंदू से रिलेटेड हैं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हिंदू मंदिर में? नहीं, ऐसे नहीं कहा जी, मैंने कहा सभी चंडीगढ़ के मंदिरों में। अच्छा, सभी चंडीगढ़ के मंदिरों में। हाँ, और जो तैयारी हमारी चल रही है मलोया से, बहुत ही बड़े धूमधाम से बाजे गाजों के साथ शोभा यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ पर बैठे हमारे जो ईश्वर आदिवाल जी हैं, इनके देखरेख में वहाँ पर जो है वहाँ के अध्यक्ष हैं, साथी अपने बहादुर जी, उनकी पूरी टीम पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। डड्डू माजरा में 20 शहर से चंडीगढ़ से होती हुई शोभा यात्रा का जो समापन है राम दरबार में बड़े धूमधाम से समापन हो रहा है, और बड़े हर उल्लास के साथ इस बार कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। ईश्वर आदिवाल या काली आदिवाल एक ही आदमी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो जो वाइस चेयरमैन है भगवान वाल्मीकि जी के शोभा यात्रा का, उनको उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं। जय वाल्मीकि, जय भीम। जैसे कि मलोए में ना आज तक कभी ना समाप्ति और ना शुरुआत हुई थी। ये जो हमें जिम्मेवारी मिली है, ये हमारा सौभाग्य है, शुरुआत हमें मिली है। हम जोरों शोर से, हमने दिन रात जो भी हमने पूरी टीम ने लगाई हुई है, वो सभी का योगदान है। हमारे मंदिर कमेटी के मेंबर और बहादुर जी अपने प्रधान और अपने धर्मवीर भाई और जितने भी हमारे नवे युवा हैं, उन्होंने सब ने अपना दिन रात एक करके इस यात्रा को सफल करने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। सहयोग दे रहे हैं, हाँ जी। इस बार कुछ अलग भी कहते हैं कि अलग कुछ दिखने जा रहा है शोभा यात्रा। अलग ही, पहले तो उसमें राजनीति को ऊपर रखा जाता था, पर हमने जो अलग किया है, हमारे धर्म गुरु वो सबसे हमारे पहले महत्व रखते हैं, उनको उन्हीं का स्वागत होगा। और इसमें हमारी पहले वाल्मीकि यात्रा चलती थी तो सिर्फ वाल्मीकि ही चलते थे, और अब जो वाल्मीकि के साथ साथ अपना मुस्लिम समुदाय के अपने जितने भी मेंबर हैं अपना, और अपना सिख समाज, ये सब हिस्सा ले रहे हैं, अपना योगदान और अपना बल दल के साथ सब आ रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सभी धर्म के, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, वो सभी इस बार इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, और इसको बढ़ चढ़ के हम पूरा करेंगे जो हमें जिम्मेवारी मिली है। जय भीम, जय वाल्मीकि।
बहुत बहुत धन्यवाद चंवर जी आपका और वाइस चेयरमैन जी का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।